जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं श्वेता गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के टॉपिक में है कि आपने कमेंट पूछा था कि मैटरनिटी लीव कितना मिलता है विभाग में। मैटरनिटी लीव 6 मंथ का मिलता है, एकदम प्रॉपर 6 मंथ ही मिलता है। एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका तुरंत रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरी मैटरनिटी लीव मिली है मुझे और 21 मार्च को वो ख़त्म हो जाएगी। 21 मार्च मतलब 21 मार्च के शाम तक मुझे पहुंच ही जाना है, 22 नहीं होना चाहिए। परवाना आपका कटता है, परवाना लेके आपको पहुंच जाना है एकदम 21 मार्च को। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप बिल्कुल इसको ये नहीं सोचेंगे 10 दिन बाद जाए, ये जाए वो जाए, ये सब दिक्कत कर देगा आपको। या फिर आप अगर बहुत बड़ा इशू है, मेडिकल इशू आ गया आपके पास, तो आप लेटर बनाकर एसपी सर के ये ईमेल पर भेज सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ गया। लेकिन तो भी आपको एकदम प्रॉपर देना ही होगा। उसके बाद फिर CCL का प्रावधान है कि 3 महीना का CCL भी मिल जाता है, लेकिन मेरे जिला में अभी तक तो बहुत मुश्किल है CCL मिलना। अनुसंधानक की बहुत ज़्यादा कमी है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि विभाग में बहुत कम अनुसंधानक बचे हैं। 1.5 लाख लोगों की कमी है अभी अनुसंधानक में, इसीलिए वैकेंसी रुकेगी नहीं, वैकेंसी बार बार आएगी। बहुत ज़्यादा जरूरी, जितने भी पुराने लोग थे या तो वो रिटायर होने वाले हैं या फिर उनको उतना नॉलेज नहीं है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। जब नया BNS आ चुका है तो इसमें अब कानून बहुत बदल गया है, तो कानून बदल गया है तो ये नए लोग ज़्यादा इसको ऑपरेट कर पा रहे हैं, पुराने लोगों से नहीं हो पा रहा। जैसे कंप्यूटर पे ही डायरी लिखने का प्रावधान आ गया है, आपको ऑनलाइन सब चीज़ करना है, हर चीज़ का वीडियो क्लिप बनाना है, जितना भी अभियुक्त का बयान लेना है केस से रिलेटेड वो सब फ़ोन से होना चाहिए, मतलब सब वीडियोग्राफी होना चाहिए आपका। वीडियोग्राफी का ये नहीं कि पॉज कर करके ले रहे हैं, क्योंकि वो टाइमिंग का उसके का सब कुछ का नंबर नोट होता है डायरी में। तो ये पुराने अनुसंधानक थोड़ा करने में वीक है, प्रयास वो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा वीक है, इसीलिए नए अनुसंधानक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी बार बार आएगी। तो वैकेंसी को लेकर नहीं सोचना है कि वैकेंसी नहीं आएगी, 100% वैकेंसी आएगी। सैलरी पूछ रहे थे आप, सैलरी इस माह मेरी आई है 56,000 समथिंग आई है। ठीक है, हर जिला की सैलरी अपनी अपनी होती है। जैसे सबसे ज़्यादा सैलरी पटना की है, क्योंकि वहाँ खर्च ज़्यादा है, व्हीकल से बहुत ज़्यादा इधर उधर करना पड़ता है, तो व्हीकल अलाउंस भी वहाँ ज़्यादा मिलता है, रहने का भी वहाँ महंगा है, इसलिए वहाँ पर रहने का भी पेमेंट ज़्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ की सैलरी कुल मिला के बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उन लोग की सैलरी लगभग 70 के पास है, हम लोग अभी 56 के ही पास है। तो हर जिला का अपना अपना सैलरी है। वही हमारे बांका में सैलरी कम है, भागलपुर में थोड़ा ज़्यादा है, नौगछिया में थोड़ा ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि जिला कैसा है, वहाँ पर रहने का तरीका कैसा है, ट्रांसपोर्टिंग कैसा है, अनुसंधान का तरीका क्या है। ठीक है, उस हिसाब से गवर्नमेंट आपको पे करती है। तो बांका थोड़ा सा शांत है तो इसलिए वहाँ का उतना सैलरी मिल रहा है। हर जिला का अलग अलग अपना है। तो सैलरी से रिलेटेड आप क्वेश्चन किए थे तो ये आप जान गए। मैटरनिटी पे मैंने बता ही दिया 6 मंथ का मिलता है, उसके बाद फिर CCL चाहे तो 3 महीना पास हो सकता है, लेकिन वो जाने पे डिपेंड करता है, वो एसपी सर के मूड पे डिपेंड करता है। जबकि आप बहुत छोटा बेबी है आपका तो भी नहीं सुना जाएगा, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको काम दे दिया जाएगा, सब लोग सपोर्ट करेंगे बट कहेंगे कि वही रहिए। ठीक है, लेकिन CCL हमारा अधिकार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। छुट्टी को आप सोचते हैं आपका जायदाद, पुलिसिंग में छुट्टी का कोई जायदाद नहीं है। अभी हाल में मेरे जिला में दशहरा के ड्यूटी में, जानते हैं जबकि दशहरा के ड्यूटी इतना भी कुछ खास नहीं रहता है, उस ड्यूटी में 9 दरोगा निलंबित हुए हैं। कितने पुलिस बर्खास्त हो गए, कितने पे विभागीय कार्रवाई चलने लगी, सिर्फ वो अपने टाइम पर पहुँच नहीं पाए थे या वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, इसके नाते उन पर कार्रवाई हो रही है। तो नौकरी इतना मुश्किल से मिल रहा है तो उसका ध्यान भी बहुत पूरा देना है। कोई भी फेस्टिवल कुछ भी हो जाए, आप फेस्टिवल घर नहीं जा सकते हैं, यही तो सबसे टफ बात है इस विभाग का, सबसे टफ सबसे बेकार बात यही है। एक तो फेस्टिवल नहीं जा सकते, जैसे ही फेस्टिवल बीतेगा तब तक केस में आप लग जाएंगे, मतलब आप घर जा ही नहीं सकते हैं। इसी एक तो अनुसंधानक की बरियार कमी है, बहुत ज़्यादा अनुसंधानक की आवश्यकता है, एक एक थाना पे पूरा लोड है। ये अभी हाल में जिस थाना पे हम हैं उस पे मात्र 3 ही लोग हैं, 3 लोग कैसे थाना चलाएंगे, इतने कम अनुसंधानक से कैसे थाना चलेगा। और उस पे से ड्यूटी साथ साथ लिखाता है, 4 गश्ती ड्यूटी, 3 OD ड्यूटी, 7 ड्यूटी और लोग 3, उसके अलावा केस की ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लग जानी है, मतलब आदमी छट के रह जाता है, एकदम बट के रह जाता है, लेकिन मैनेज किया जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि और भी ज़्यादा लोग
भर्ती हों। महिलाएं तो 100% बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक एक महिला दो दो तीन तीन थाना का संभाल के रखी है। ऊपर से विभाग में दो पार्ट में बांट दिया गया है, महिला का केस महिला देखेगी, जेंट्स का केस देश देखेगा। थाना पर 10 आवेदन में से 7 से 8 आवेदन महिला रिलेटेड ही होता है, तो महिला कितना देखेगी? आप लोग महिला के जॉब से, महिला के ये से बड़ा एलर्जी है, थाना पे देखिए 10 आवेदन आएगा, 7 से 8 महिला रिलेटेड ही होगा, 2 ही 3 पुरुष रिलेटेड कुछ हो के, कहीं चोरी हो जाए, कहीं मार हो जाए, मार भी होगा तो उसमें भी महिला इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो महिला रिलेटेड केस तो 7 से ज़्यादा केस महिला को ही मिलता है, रूल आ गया है कि महिला रिलेटेड केस महिला को मिले। अब एक थाना पे तो एक महिला नहीं है, हर थाने पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए दो दो थाना, तीन तीन थाना की प्रभारी एक ही महिला रह रही है अभी हाल में। इतना ड्यूटी महिला के लिए टफ हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिला की ज़रूरत है थाना पर। तो वैकेंसी बस आए, जल्दी जल्दी लोग भर्ती हो, हर साल वैकेंसी आएगी, वैकेंसी रुकने वाली नहीं है दरोगा की, बिल्कुल नहीं रुकने वाली है। सो पढ़ाई में लगे रहिए, कंटिन्यू रहिए, इस बार नहीं तो अगले बार नहीं तो उसके अगले बार, लेकिन निकल ही जाना है। बुक से रिलेटेड है तो आप किरण पब्लिकेशन का पूरा सेट मंगा लीजिए। मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका कि मैथ्स के लिए क्या करें, तो मैथ्स में भी किरण के लिए एक स्पेशल बुक आती है, जो मैथ्स बिहार में अब तक जितना वैरायटी का पूछा गया उससे रिलेटेड वहां मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर में मैथ्स देखिए कि बिहार दरोगा में मैथ्स क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, उस हिसाब से पहले उस चैप्टर को ख़त्म करिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछने वाला है, उस बेस चैप्टर को पहले ख़त्म कीजिए, तब नया कुछ पढ़ने के बारे में सोचिए। आप विद्यासागर के मैथ से पढ़ सकते हैं, आप आरडी शर्मा के मैथ से पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस मैथ से आप पढ़िए, लेकिन पहले उस चैप्टर को पढ़िए जो एग्ज़ाम का डिमांड है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आपका जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसका आंसर मैं अपने वीडियो के थ्रू दे दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे न्यू चैनल अब मैंने ऑन किया है, जहाँ पे मैं अपना डेली रिलेटेड लाइफ डालती हूँ, माय श्वेता ब्लॉग, उस पर जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टा पे आप मुझे श्वेता ईसाई से फॉलो कर सकते हैं, श्वेता गुप्ता दो चैनल है मेरे इंस्टा पर, और टेलीग्राम पे मैं श्वेता पॉइंट पे हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपना डालती रहती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।